हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या। देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो क्या करेंगे, पहले हम 1 to 10 में क्या क्या प्राइम नंबर है वो हम पहले लिख लेंगे। तो चलो, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद क्या 9। नहीं, 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? देखो, 2 to 7 में से ऑफ कोर्स 7 है, तो आंसर लिखो द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। ओके, आंसर इज 7। ओके, चलो मिल लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो क्या करना है, देखो जो गिवन नंबर है, फर्स्ट है 44, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स, लेकिन व्हाट प्राइम नंबर्स, इसका मतलब क्या है? इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। तो 2 छोड़ के जो भी प्राइम नंबर है उन दोनों का सम हम लिखना है। ठीक है, तो 2 छोड़ के फर्स्ट क्या है? देखो, 3। 3 से हम ट्राई करते हैं, तो 3 + 41 लिखने से 44 हो रहा है। तो 41 प्राइम नंबर है कि नहीं है? ऑफ कोर्स 41 प्राइम नंबर है, इसलिए ए हो गया 3 × 41। ठीक है, तो बी क्या है? देखो, 36। तो 36 को देखो, 3 + 3 + 33 करने से 36 हो रहा है, लेकिन 33 तो एक कंपोजिट नंबर है। ओके, इसलिए ए गलत आंसर है, ए नहीं होगा। तो देखो क्या है, 36 को हम 3 के बदले में जब 5 लेंगे, तो 5 + क्या 31 लिख सकते हैं। 31 एक प्राइम नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या है? 36 = 5 × 31, ये सही आंसर है। और ये क्या है? ये गलत आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर सी 24, इसको हम पहले 3 + 21 लिखा मैंने, ये क्या 21 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 7 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, तो ए नहीं होगा। तो 24 को 5 + 19 लिख सकते हैं। देखो, 19 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ए गलत आंसर है, ए नहीं होगा। हमारा सी का आंसर है 5 + 19। अब देखो डी, डी का 18। 18 को 3 से लिखोगे तो क्या होगा? 3 + 15, लेकिन 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, इसलिए ए नहीं होगा। तो क्या लिखना है हमें? देखो, 18 को फिर से 5 से स्टार्ट करो, 5 + 13। 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? गिवन 3 pairs ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू, थ्योरी पोर्शन में था। तो ओ प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? ओ प्राइम नंबर को हम टू इन प्राइम्स बोलते हैं। देखो, टू प्राइम्स नंबर हुज डिफरेंस इज टू आर कॉल्ड टू इन प्राइम्स। ओके, तो ऐसे 1 to 100 के बीच में ट्विन्स प्राइम कितने पेयर है? थ्योरी पोर्शन में मैंने कवर किया था, 8 pair है। वो 8 pair में से 3 pair लिख लो, तो फर्स्ट 3 pair ही लिख रहे हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? 3 5। ओके, नेक्स्ट क्या है? 5 7, और तीसरा
क्या सेवन नाइन? सेवन नाइन, नाइन क्या है? नाइन कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए इलेवन थर्टीन। तो देखो क्या है, गिव थ्री पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू। देखो फाइव माइनस थ्री करने से क्या टू मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन जो क्राइटेरिया था वो फिलफिल हो गया। सेवन माइनस फाइव करने से टू हो रहा है, थर्टीन माइनस इलेवन करने से टू हो रहा है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। फर्स्ट पेयर थ्री फाइव, सेकेंड पेयर फाइव सेवन, थर्ड पेयर इलेवन एंड थर्टीन। नेक्स्ट क्या है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से कौन सा नंबर प्राइम है? ए क्या है 23, ये तो प्राइम ही है किंतु क्योंकि 23 को हम 1 × 23 लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं लिख सकते। बी क्या है देखो 51, 51 को हम 1 × 51 लिख सकते हैं, 51 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 17 लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या है, 1 और 51 छोड़ के और एक इसका फैक्टर है 3, तो ये क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, तो ए होगा, ए नहीं होगा। सी में क्या है देखो, सी में है 37, 37 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 37 और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये दो ही है इसका। तो डी में क्या है 26, तो 26 देखो फैक्टर निकालने का कोई जरूरी नहीं है, 6 है। मैंने क्या बोली थी, इवन नंबर क्या है कॉम्पोजिट नंबर है टू छोड़ के, और देखो 0, 2, 4, 6 किसी भी नंबर का 1 प्लेस में है वो कॉम्पोजिट नंबर है, तो ए होगा कॉम्पोजिट नंबर। तो हमारा आंसर देखो, आंसर क्या होगा, आंसर होगा द फॉलोइंग द प्राइम नंबर्स आर, ए में क्या है 23 एंड सी 37 और बाकी दो क्या है कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो चलो हमारा ए वीडियो फिनिश होता है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12 A4 कंप्लीट करेंगे।